बाला साहेब ठाकरे का परिवार छोड़ राम मंदिर उद्घाटन में सबको बुलावा, महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। देश भर के हजारों प्रतिष्ठित नागरिकों को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया है, लेकिन दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के परिवार को आमंत्रित नहीं किया गया है। जबकि बाबरी मस्जिद को गिरने के बाद जब हिंदुत्ववादी नेताओं और कार्यकर्ताओं की धरपकड़ हो रही थी, उस वक्त बाबरी मस्जिद गिराने के लिए शिवसैनिकों को जिम्मेदार ठहराया गया था। तब बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगर बाबरी ढांचा मेरे शिवसैनिकों ने गिराया है तो मुझे उन पर गर्व है। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लंबे संघर्ष के बाद अब जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आमंत्रित नहीं किया गया है। बीजेपी के नेता व राज्य के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन ने सवाल किया है कि राम मंदिर के निर्माण में ठाकरे गुट का क्या योगदान है। सरकार की वीवीआईपी लिस्ट में उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है, इसलिए उन्हें उद्घाटन समारोह का निमंत्रण नहीं दिया गया। समारोह का निमंत्रण करीब 8,500 लोगों को दिया गया है। वे बोल रहे हैं, हमने किया, लेकिन देश की जनता को पता है कि राम मंदिर निर्माण में उद्धव ठाकरे का कोई योगदान नहीं है। उद्धव ठाकरे का नाम केंद्र सरकार की वीवीआईपी लिस्ट में नहीं है। हालांकि चर्चा की राम मंदिर उद्घाटन समारोह में मनसे प्रमुख राज ठाकरे को आमंत्रित किया गया है, परंतु इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पर ठाकरे गुट के नेता व विधान परिषद के सदस्य सचिन अहिर ने कहा कि हमें निमंत्रण मिले या ना मिले, लेकिन राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। आज जो राम मंदिर के उद्घाटन का इवेंट बना रहे हैं, वे उस दौरान भाग गए थे, बीजेपी ने बनाया इवेंट। सचिन अहिर ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी की तो याद ही नहीं रही, विश्व हिंदू परिषद का उल्लेख तक नहीं किया गया। राम मंदिर बनवाने को लेकर बाला साहेब ठाकरे का रवैया बहुत सख्त था। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया कि लोकसभा में बिल लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला सुलझ गया, परंतु अब इवेंट किया जा रहा है जैसे कि उन्होंने वहां जाकर ईंट रखी हो। हमें गर्व है कि राम मंदिर बन गया है। हमें निमंत्रण मिले या ना मिले, हम पिछले साल की तरह भविष्य में भी वहां नतमस्तक होने जाएंगे। उद्धव ठाकरे बनाम राणे। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा था, हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि रामलला का दर्शन फ्री करा देंगे। क्या रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? हमारा हिंदुत्व मुंह में राम हाथ को काम देने वाला है। हमें गुजरात की मजबूती से परेशानी नहीं है, पर क्या सिर्फ गुजरात मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा? बाकी राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत नहीं होगा। ठाकरे इसके बयान का जवाब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुंबई में एक कार्यक्रम में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव पागल हो गए हैं, वे कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। राम मंदिर का निर्माण किसने किया ये जनता को मालूम है। सत्ता गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे पगला गए हैं।